न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर उनका जमकर स्वागत किया। मेफेयर रिजॉर्ट में नेताओं से चर्चा के बाद वो कार से बिलासपुर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री और कई नेताओं का काफिला भी उनके साथ जा रहा है। राहुल बिलासपुर के आवास न्याय योजना शुरू करेंगे। इसके साथ ही तखतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस भी यहां पर ज्यादा है। राहुल गांधी सोमवार 25 सितंबर को आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आ गए हैं। कार्यक्रम बिलासपुर संभाग के तखतपुर में आयोजन किया गया है। इस संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस पूरी तरह से यहां पर ज्यादा है। अब बिलासपुर संभाग की राजनीति बेहद ही दिलचस्प हो गई है। यहां क्षेत्रीय दल कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार की जीत और हार का फैसला करती है, जो कि कांग्रेस के साथ साथ कुछ हिस्से में बहुजन समाज पार्टी तो कुछ हिस्से में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का असर देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर के लगातार अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी बीच रविवार को संविदा कर्मियों ने नवा रायपुर में वादों की बरसात निकाली। जहां इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो सरकार खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। हजारों की संख्या में संविदा कर्मी तूता धरना स्थल पर एकजुट हो गए। सभी ने बिल्कुल बाराती की तरह तैयार हुए हुए थे। पुरुष गुलाबी पगड़ी तो महिला कर्मियों ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इसमें रायपुर के अलावा बाकी जिलों से भी संविदा कर्मी पहुंचे हुए थे। सभी ने बैंड बाजे पर डांस करते हुए ये विरोध का प्रदर्शन जारी रखा। प्रदेश के गौठानों में अव्यवस्था और गौवंश की हालत बदहाल है, ये दावा है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का। रमन सिंह ने कहा है कि कसडूल के मलदा गौठान में दर्जन भर गौवंश की मौत हो गई है, उन्हें नदी में बहा दिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर कांग्रेस सरकार बेनकाब हो रही है। ये आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राजधानी के नया रायपुर में बीते 4 सितंबर को एक सरकारी आयोजन के बचे सड़े हुए खाना खाने से 100 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ की खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।